सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आने वाले एसएससी एमटीएस के एग्जाम जो 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें। इसी सीरीज की एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीके ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाकर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पत्र की जिसमें कि वह रखा होता है दीवार को गीला नहीं करता, तो वह होता है पारा। पारा क्योंकि पारे के अंदर चिपकता नहीं है, पारा किसी भी चीज से चिपकता नहीं है, तो इसी वजह से वह कांच के पत्र की जिसमें वह रखा जाता है उसकी दीवार को गीला नहीं कर पाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वेट द वॉल्स ऑफ द ग्लास इन विच इट इज कैप्ट, उसको बोलते हैं मरकरी, इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब के माप के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के माप के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको बोलते हैं बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्टेड इन ईयर 1930, यानी कि 1930 में कॉमनवेल्थ गेम खेलों की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है चांद पर सबसे पहले किस देश का व्यक्ति उतरा था, कंट्री ऑफ फर्स्ट पर्सन टू रीच ऑन मून, तो वो थे अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, भारत के किस व्यक्ति को वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो नेम द इंडियन टू विन नोबेल प्राइज 2014 फोर पीस, तो वह है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके साथ साथ अफगानिस्तान की मलाला यूसुफ जई को भी शांति के ही क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेकिन भारत की बात करें तो भारत से कैलाश सत्यार्थी को मिला था। नेक्स्ट है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है अमृत सेन, इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, तो वो है अमृत सेन, अमृत सेन को ही इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी, हु रोट झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो इसकी रचना की है श्यामलाल प्रसाद गुप्त। श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने जो प्रसिद्ध झंडा गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की है। नेक्स्ट है कि आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। सिटी आगरा इज लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ विच रिवर, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेंथ क्वेश्चन है, साबरमती नदी के किनारे निम्न में से कौन सा शहर बसा हुआ है, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर साबरमती, तो ये है अहमदाबाद, गुजरात में है अहमदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है कि अयोध्या निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अयोध्या इज सिचुएटेड,
तो वह नदी है सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्न में से वे शहर चुने जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। चूज द सिटी विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा, तो वो है जबलपुर। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर, उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कन्नौज सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो वह नदी है गंगा, गंगा रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उस शहर को चुनिए जो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। आउट ऑफ फॉलोइंग सिटीज विच वन इज लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर शिप्रा, तो इसका आंसर हो जाता है उज्जैन, मध्य प्रदेश में है उज्जैन। काफी फेमस जगह है उज्जैन में, कुंभ का मेला भी लगता है और महाकालेश्वर का मंदिर भी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, कटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सिटी कटक इज लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो वो रिवर हो जाती है महानदी। महानदी के किनारे ही कटक शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्न में से उस जगह को चुनिए जो कावेरी नदी के किनारे है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कावेरी रिवर, तो वो है तिरुचिपल्ली। तिरुचिपल्ली के किनारे ही कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है तिरुचिपल्ली। ठीक है, सावित्री नदी निम्न में से किस जगह से होकर गुजरती है। सावित्री रिवर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, उसे कहते हैं महाड़। महाड़ एक जगह है, ठीक है, तो सावित्री नदी वहीं से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से सावित्री नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द रिवर सावित्री ओरिजिनेट्स, तो वह जगह है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर से ही सावित्री नदी का उद्गम होता है, वहीं से वह निकलती है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सी नदी रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच सीमा रेखा के रूप में कार्य करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन रायगढ़ एंड रत्नागिरी, तो राइट आंसर है सावित्री नदी। यानी कि सावित्री नदी ही रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच में एक सीमा रेखा के रूप में काम करती है, प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है। क्वेश्चन आ जाता है कि सावित्री नदी निम्न में से किस जगह से होकर नहीं निकलती, तो सावित्री रिवर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो आंसर हो जाता है पुणे। ठीक है, सावित्री नदी महाराष्ट्र से होकर गुजरती है और महाराष्ट्र के पुणे शहर से होकर नहीं जाती। ठीक है गाइस, तो ये 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इजीली बुक में मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बुक में भी आपको ढूंढने से नहीं मिल पाएंगे। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिए जाए जो एग्जाम में पूछे गए हैं लेकिन बुक में आसानी से नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। लगातार एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके चले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाया करें, क्योंकि तभी आपको हमारी लेटेस्ट और न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद।